गुरुवार को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा कसरावत तहसील के भ्रमण पर थे, जहां उन्होंने छोटी कसरावत माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को पहाड़े याद करने की आसान विधि बताई तथा स्कूल में उपस्थिति पंजी का निरीक्षण कर एक शिक्षक के बिना आवेदन के अनुपस्थित पाए जाने पर सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कसरावत स्थित निमाण लाइब्रेरी का निरीक्षण कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों को मार्गदर्शन भी किया। भ्रमण के दौरान हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर भी साथ रहे। रीडेंटिफिकेशन योजना के तहत SDM कसरावत आवास बनाया जाना है, इसके लिए कलेक्टर वर्मा और मध्य प्रदेश हाउसिंग के डिप्टी कमिश्नर महेंद्र सिंह और कार्यपालन यंत्री PK मेहता ने संयुक्त रूप से पुराना जर्जर अवस्था वाला तहसील कार्यालय का अवलोकन किया। वर्तमान में निमाड़ लाइब्रेरी में सुंदर बगीचा भी लगा हुआ है एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगे हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड के सुझाव के बाद निमाड़ लाइब्रेरी का स्वरूप क्या होगा। नगर परिषद में प्रथम आगमन पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा का पार्षद प्रतिनिधि रईस कुरैशी सहित पार्षदों एवं कर्मचारियों ने फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान कसरावत SDM अग्रिम कुमार और तहसीलदार रमेश सिसोदिया उपस्थित रहे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। मात्र लाइब्रेरी है कसरावत की और काफी प्रयास किए हैं, तो आज विशेष दौरा था, क्या था सर आज? मैं खुद ही, मेरा सबसे प्रिय यदि कोई चीज है तो शिक्षा है, और अभी मैं छोटी कसरावत के स्कूल में भी गया था और मैंने क्लास शायद 6 या 8 के बच्चे थे, उनसे जब बात किया तो वो जो चीज़ पढ़ रहे थे, पढ़ कर के वो समझा कैसे, वो बच्चों में अभी कमी है। अभी मैं यहाँ लाइब्रेरी में आया, ये भी यहाँ पर इनसे ही बात कर रहा था। मैंने बच्चों से पूछा था कि आपको कौन सा पढ़ा सुना दूँ, मैंने कहा मुझे 40 पढ़ याद हैं, तो बच्चों ने मुझसे कहा था 37 पढ़ा, तो मैंने 37 पढ़ा उनको बोल के बताया था, और ये मुझे 37 का पढ़ा 1980 से याद है। आश्चर्य होगा जी। ना ना ना, IAS सभी IAS से पूछ रहे, वो नहीं आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ है। तो शिक्षा यदि हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएं तो शिक्षा बहुत आसान भी होती है। हमारे गुरुजनों ने हमको पहले बेहतरीन पढ़ाया तो हम यहाँ पर आ गए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अच्छी शिक्षा देने वाले एक्सपर्ट्स लोग, उनके पास यदि कुछ अच्छी शिक्षा है तो बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे कैसे आगे बढ़ें उनको गाइड करें। यहाँ पर भी जो कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्थाएं ज़िले में और आवश्यक हों तो हम और भी करेंगे, बच्चे आगे बढ़ें, उनको अच्छा माहौल दें, उनको गाइडेंस भी दें, इसका भी हम प्लान करेंगे। सर, ये तहसील को लेकर आज कोई प्लानिंग है सर? हम लोग देखने आए हुए हैं, ये हमारा एक रीडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट में लिया हुआ, तो हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड भी साथ में आए हुए हैं, वो क्या ज़मीनों का अच्छा उपयोग हो सकता है उसका हमारा एक निरीक्षण भी है। शिक्षा के क्षेत्र, सर शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कुछ खबरें चलाई थी कि जिस तरीके से आप शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे हैं, तो अभी अगर संज्ञान में है तो कुछ बच्चों का कचरा बीनते हुए और इस तरीके से कचरा, इसमें बेसिकली शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है जिंदगी में कुछ है तो वो शिक्षा है। हम सभी की शासन प्रशासन अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास पहले से अभी तक कर रहा है, लेकिन शिक्षा में इसमें समाज को भी जुड़ना होगा, समाज को समझना होगा। सरकार आपको स्कूल अच्छे बना के दे सकती है, अच्छे टीचर से दे सकती है, पर स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें हमको इन्वॉल्व होना होगा और तभी शिक्षा का स्तर सुधरने की कोशिश होगी। और सरकार की ओर से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ सुधर रही है। मैं अपील करता हूँ कि बाकी लोग भी इसमें जुड़ें और जहाँ जहाँ समस्या है उनको हल करें। निश्चित ही छोटे बच्चों को इस तरीके से देखते तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अभी भी इस प्रयास में काफ़ी पीछे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर मेरा दौरा होता है, मेरा कोई सा दौरा मिस नहीं होता जिसमें मैं स्कूल में नहीं जाऊँ और मैं बच्चों से बात नहीं करूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।